ता समझावा तेनू प्यार दिया राहा विच वे यार दिया बाहा विच वे सजन जे साथ ना होवे। Hey guys, good morning Kolkata, welcome back to my new vlog। So guys, आप लोग कैसे हो? I hope guys आप लोग अच्छे होंगे, हमेशा खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, happy रहो and all happy रहो, okay? So guys, अभी बज रहे हैं 9:22 सुबह के और guys अभी हम थोड़ी देर पहले उठे हैं, मस्त फ्रेश हो चुके हैं, फ्रेश हो के मस्त अभी चाय बना रहे हैं। तो guys अभी मस्त हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह चल रहा है, मतलब चल नहीं रहा है, करेंगे। तो देखो गैस पे चाय रखी हुई है और guys उधर के मेरी फैमिली मेम्बर सारे जने उठ गए हैं, बेड वगैरह कुछ समेटा है सबको, वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ घर का काम। तभी तो पहले हल्का ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद कुछ घर का काम करेंगे। और गाइस मैं आपको एक और बात बता दूं, आज अर्शवीर के स्कूल में कार्निवल फंक्शन है गाइस, तो उसमें आई थिंक ऑल फैमिली अलाउ किया है कि मतलब फैमिली कोई भी आ सकता है बच्चे के साथ। तो आई थिंक कि हम वहाँ जाएंगे और जाके आपको शूट करके सब दिखाऊंगी, अगर कैमरा अलाउ हुआ तो। तो वैसे जाने से पहले तो मस्त हम पहले घर का सारा काम समेटेंगे, सो आप मिलो मेरी पहली फैमिली से। सारे नु गुड मॉर्निंग, इतने गलत बात दीदी, गुड मॉर्निंग आर से, गुड मॉर्निंग। और ये गाइस देखो घर के सारे हालत, सब समेटना है और मस्त हमारी चाय बन रही है, चाय मतलब बनने में ही है। और ये लीजा जो यहाँ पे छुपके बैठी है नहाने के डर से, भैया घर पे तो उसको लगता है कि भैया पकड़ के उसको नहला देंगे, इसलिए डर के मारे वहाँ बैठी। और से गाइस देखो मेरी चिड़ियों से मिलो, हेलो चिड़ियों, गुड मॉर्निंग। और गाइस मस्त हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और गाइस अभी हम स्कूल के फंक्शन में जाने के लिए हो रहे हैं रेडी, अर्शवीर के स्कूल के फंक्शन में। और मस्त मैंने बेड वगैरह सब समेट लिया, टाइम हाथ में गाइस बहुत कम है, तो मैंने बोला फटाफट पहले घर के काम कर लो फिर उसके बाद तो ये सब करी जाए, ठीक है? तभी देखो हमने मस्त समेट लिया सब, पूरा घर चंगी तरह समेट लिया है। ये देखो किचन वगैरह चंगी तरह पूरा घर साफ़ हो चुका है। और गाइस मैं अभी जा रही हूँ थोड़ा सा नहा कर रेडी होना, ठीक है? दीदी ने नहाना हो गया, अर्शवीर का हो गया, भैया का हो गया, दादी को तो सुबह ही हो जाता है, मेरा नहीं हुआ, मैं फटाफट जा रही हूँ, दीदी ने मेरे को चिल्लाना है, तो मैं आपको रेडी वेडी होकर मिलती हूँ। सो गाइस मैं मस्त हो चुकी हूँ रेडी और गाइस मैं आई हूँ थोड़ा बाहर, एटीएम से कैश पिकअप करना था मुझे, कुछ दीदी ने मेरे को भेजा। तो गाइस ये देखो ये है मेरा लुक आज का और अभी मैं आई हूँ थोड़ा बाहर, ये देखो एटीएम, अभी अंदर बंदे हैं इसीलिए वेट में बाहर खड़ी हूँ, तो इसीलिए सोचा यहाँ पर वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो गाइस अभी हम बस निकल ही रहे हैं अर्शवीर के स्कूल के लिए और जिन्हें बोला कि हाथ में थोड़ा सा कैश बहुत ज़रूरी है, ले लेते हैं कब, मतलब बाई चांस जो लोड पड़ जाए तो। और गाइस वहाँ से होके ना गाइस सीधा हम जाएंगे अर्शवीर के स्कूल से। तो गाइस अर्श के स्कूल से होने के बाद हम जाएंगे गाइस थोड़ा बाहर, बाहर अंदर से नानी घर फ्लैट पे, ओके? फ्लैट पे गाइस मेरा 2-3 काम है, वहाँ पे दिए वगैरह लगाने हैं, तो बस थोड़ी सी हल्की सी साफ़ सफाई कर लेंगे और फिर दिए वगैरह लगाएंगे। दिवाली गाइस हमारे मतलब हमारे कास्ट में, पंजाबी कास्ट में ना दिवाली ही मेन फेस्टिवल होती है हमारी, तो यहाँ तो हमने मस्त घर की साफ़ सफाई वगैरह करके दिए वगैरह खरीद के ले आए हैं और वहाँ पे लगाएंगे अभी फ्लैट पे। तो वहाँ पे लगाने से पहले गाइस थोड़ी सी हल्की फुल्की साफ़ सफाई करनी पड़ेगी ना, तो उससे पहले मतलब वहाँ से फंक्शन अटेंड करने के बाद ही गाइस जाएंगे फ्लैट पे। दीदी अपना ट्यूशन पढ़ाएगी और मैं थोड़ा हल्का फुल्का समेट लूँगी जितना हो सके, और बाकी आई थिंक नानी से भी मिलने जाना है, नानी का सुबह कॉल आया था। तो गाइस अभी फटाफट आपको मिलती हूँ अर्शवीर के स्कूल में। सो गाइस ये देखो हम निकल चुके हैं जाने के लिए, मेरी दीदी की लुक देखो गाइस, शी इज़ वेरी प्रिटी ना, मस्त मस्त लग रही है, अलग ही लुक में आ जाई है बंदी तो। और ये मेरी लुक, ओके यार की है, हमेशा सूट सलवार सूट सलवार प्लाजो, गाइस ऐसे लुक में बंदा मस्त लगता है, देखो क्या लग रही है, ओह गॉर्जियस लग रही है। तो गाइस अभी आपको सच में सीधा स्कूल में मिलती हूँ। गाइस अर्शवीर तो पापा के साथ गया, ठीक है ना, और हम तो शॉर्टकट लेके ये पार्क के अंदर से निकलेंगे, देखो दिखाते हैं। गाइस देखो माँ काली का पूजा करने के लिए यहाँ पे पंडाल बन रहा है और मस्त लाइटें शाइटें लग चुकी हैं, स्कूल में मिलती हूँ। देखते हैं गाइस अर्शवीर के ना स्कूल में फर्स्ट टाइम मैं एंट्री करूँगी, मतलब अंदर तक, वैसे तो बाहर बहुत बार गई हूँ।
सो गाइस हम स्कूल में आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉन्ग बज रहा है और कैमरा गाइस बिल्कुल भी अलाउ नहीं है ओके, क्योंकि अश्विर का स्कूल है तो ज़्यादा मैं दिखा नहीं सकती, हल्का सा लुक दिखा रही हूँ। ये मेरे भैया है, ये दीदी और ये अश्विर। सो गाइस देखो काफ़ी सॉन्ग वगैरह चल रहे हैं, वो देखो वहाँ पे सॉन्ग सिस्टम है, तो अभी सॉन्ग बंद है इसलिए फटाफट शूट कर ले रही हूँ। ये है गाइस अश्विर के स्कूल का कार्नवल फंक्शन। गाइस देखो अभी तो हम जस्ट नॉर्मली इस पे आए हैं और अभी फूड एरिया में जाएंगे, तो गाइस यहाँ पे ज़्यादातर नहीं शूट कर सकते ठीक है ना, मैं मतलब स्लोली स्लोली एकदम हल्के से कर ले रही हूँ फटाफट ओके। सी देखो अश्विर आई थिंक एक गेम खेलने वाला है, भैया खेल रहा है गेम। गाइस अश्विर इस पे जाने वाला है, देखो तो गाइस मैं आपको एरिया शो करती हूँ अश्विर का, तो अभी कंटिन्यू है सी। Over the edge, feel like I'm floating through. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind. देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है यार, ये देखो यहाँ पे गिफ्ट्स मिल रहे हैं जो इस बच्चे ने गेम खेला है उसमें, और गाइस वो उसके उस बार ना मतलब मैजिकल शो हो रहा था तो मैं भी गई थी देखने, बट उसमें गाइस सॉन्ग बहुत ज़्यादा बज रहा था। ये गिफ्ट मिला इसको, माय गॉड। तो गाइस बाकी की बातें बताऊंगी मैं आपको बाद में, बहुत ही ज़्यादा लाउडली सॉन्ग चला रखा था मैजिक शो के अंदर, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ। अभी यहाँ से निकल गए, अब देखते हैं कहाँ जाना है। ठीक है ऐसे हम ये फूड एरिया में आ गए सी, देखो देखो अर्शवीर तो कुछ खाने के लिए गया, आई थिंक मोमो बोले मैम। हाँ रुको रुको पकड़ाओ सी। गाइस देखो काफ़ी कुछ है फूड्स में, ऐसे आई थिंक गाइस ये सारे होममेड्स हैं जिनके जिनके पेरेंट्स मतलब अच्छा अच्छा खाना बना रहे थे, उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है सी। गाइस बाकी के अब यहाँ से बस ये थोड़ा सा कुछ खा के यहाँ से निकलते हैं, फिर मैं आपको सीधा मिलती हूँ बाहर। सो गाइस स्कूल से तो हम निकल आए थे और अभी हम जा निकल रहे हैं गाइस अपने फ्लैट के लिए, नानी घर के लिए, तो ये बाजार के बीच में से ही जा रहे हैं। थक गई हूँ, कितना बड़ा बैग उठाया था, 500 कड़ा के लेके आई थी ना। हाँ तो गाइस मैं आपको मिलती हूँ सीधा नानी घर पे। सो गाइस फाइनली मैं अपने फ्लैट पे आ चुकी हूँ, अभी जस्ट आई हूँ, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ, वहाँ पर बैठी हूँ। और गाइस मेरे को भूख बहुत ज़्यादा लगी यार, खाने पीने का तो मुझे ज़्यादा पता है नहीं, देखते हैं कुछ तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। तो गाइस अभी तक फिलहाल देखो दीदी बैठी है, गाइस ये दीदी का स्टूडेंट है। हाय डग्गू। गाइस ये देखो दीदी बैठी है, टीचर जी बैठ गई हैं, और अभी तो फिलहाल मैं पहले तो कुछ खाने पीने का जुगाड़ लगाती हूँ, भूख बहुत ज़्यादा लगा। तो गाइस फाइनली घर की थोड़ी साफ़ सफाई भी हो गई थी, दीदी ने ट्यूशन भी पढ़ा लिया था, और गाइस अभी हम निकल गए अपने घर के लिए ओके। तो ये सारी बातें बताऊँगी आपको, इनके बीच में जो भी हुआ बाद में बताऊँगी घर पर जाके। तो गाइस फाइनली हम इस वाले घर पर आ चुके हैं, और गाइस अभी जितना हो सके उतना उस वाले घर को हमने बस तरीके से साफ़ सफाई वगैरह कर दिया है, और रही बात दिए वगैरह जलाने की तो वो गाइस हम कल जाके लगा के आएंगे। और आज गाइस इस वाले घर पे आने का रीज़न नहीं है कि भैया ने एक काम दे दिया है हमें जो हमें करना है, गाइस थोड़े से कुछ खाना वाना बनाना है, आ रहे हैं खुद भी, और गाइस एक भैया के मतलब क्लोज ही फ्रेंड या फिर आई डोंट नो कौन जो भी है उनके लिए कुछ गाइस खाना था जो बना के हमें पार्सल करके देना है ओके। तो उनको आई थिंक होम मेड खाना खाना, मतलब जैसे कि सिंपल में दाल चावल आम का चारा टाइप ऐसा कुछ,
तो गाइस वही खाना हम अभी बना रहे हैं। मैं दीदी तो लग गई आते से, ड्रेस वगैरह चेंज करके दीदी लग गई है, मैं जा रही हूँ साथ में उसके हेल्प करवाने। और मेरा ड्रेस देखो अभी वही है, और ये देखो कर रहे हैं पढ़ाई। तो गाइस अभी फटाफट टाइम ना वेस्ट करके दीदी के साथ हेल्प करवाती हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ भैया के आने के बाद। गाइस तो फाइनली हमारे घर का सारा खाना पीना बन गया, भैया आए थे, पार्सल भी चला गया। तो भैया ऊपर तो आए नहीं गए, वो नीचे से नीचे ही निकल गए, तो अभी आएंगे कुछ टाइम में। और गाइस अभी टाइम हो गया पूरा 12 बज चुका है और अभी तक वो आए नहीं है। तो अभी तक आए नहीं तो इसलिए सोचा थोड़ा शूट कर लेती हूँ। हमारे यहाँ बैल्कनी से बाहर निकल के मैंने देखा इतना मस्त एरिया गाइस सजा दिया है ना हमारे यहाँ पे, तो पूछो ही मत, मस्त तरीके से मतलब माँ काली का पूजा हो रहा है और एरिया सजा दिया गया है। सो दिखाती हूँ मैं आपको, सी गाइस देखो ये पूरा एरिया हमारा इतनी मस्त तरीके से सजा दिया है ना गाइस, ये हमारा पूरा एरिया देखो, चारों ओर सिर्फ लाइटें लाइटें। और गाइस ये जो सामने आप देख रहे हो ना, काली माँ का पूजा हो रहा है गाइस, ये पंडाल है। अभी तो मैं नीचे जा नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, बट हाँ जी एक मिनट दीजिए। तो मैं ना नीचे गाइस जाऊँगी ना तो आपको काली माँ से दर्शन कराऊँगी काली माँ की। आप देखो मस्त तरीके से पूरी बिल्डिंग पूरा एरिया मस्त सजा दिया गया है हमारे यहाँ पे, देख सकते हो आप। तो गाइस भैया आ गए हैं और अभी जा रहे गाइस हम खाना बना मतलब खाना खाने सॉरी बनाने का भूल गए। तो गाइस अभी जा रहे हम खाना खाने, ये देखो सी भैया आते ही लग गए फ़ोन में, क्रिकेट का गेम का भूत सवार है। सभी ने गेम डाउनलोड करके रखा है तो जब भी आते तब भी फ़ोन लेके बैठ जाते हैं गेम खेलने के लिए। सो गाइस अब टाइम देख लो यार, सी क्या टाइम हो रहा है, 1 बजने वाला है, ठीक है। तो गाइस फटाफट खाना खाते, भूख बहुत ज़्यादा लगी है। सी गाइस खाने में दाल है, आलू भुजिया है, चावल है, अचार है, आलू चोखा है, और ये खा रहे हैं भैया खाना, ये खा रही है दीदी खाना। और गाइस अब मैं जा रही हूँ खाने। तो गाइस फाइनली हमारा खाना पीना हुआ कंप्लीट, और गाइस अभी हम जा रहे हैं सोने, रात को बज चुका है 1:30, देख लो गाइस देखो 1:30 बजने वाला है। सो गाइस आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आए। सो गाइस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरे आने वाली ब्लॉग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। और गाइस प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। सो गाइस आप मुझे सपोर्ट करो, आप सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो गाइस। मैं दिन रात एक मेहनत कर रही हूँ, इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, इतनी नेचुरली वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी देख लो रात को 1:30 बज रहा है, मैं फिर भी 1:30 बजे तक भी अपने मतलब वीडियो शूट कर रही हूँ। सो गाइस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी बिकॉज आई एम बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ मैं। सो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दिवाली। जब जाना ही था जिंदगी में आई क्यों, हीरे दस मैंनू अपना बनाई क्यों, लाके रख देता।